मैंने मछली पकड़ा है तो चाहिए उसको रख देंगे इसी को ना तो पिछली बारी फ्रेश मछली की तलाश में रुका डैम पहुंच गए हम लोग और गेतसूर डैम पहुंच गए और वहां पे एक प्रॉपर टाइमिंग मिसमैच के कारण मछली की अवेलेबिलिटी का पता नहीं चल पाया और वो कहते हैं ना बगल में छोरा शेफ ढिंढोरा। तो आज मॉर्निंग में ही बिल्कुल फ्रेश हम लोग के मार्केट में फिश आई हुई थी। तो वेलकम बैक टू चैनल सेनली इंडियन और फिलहाल पूरा काम चल रहा है फिश की रेसिपी के ऊपर कैसे बनाना है। लुक चालू है, इसमें गोटा गार्लिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखिएगा चिकन की तरह। फिश करी का प्रोग्राम है आज, फिश करी एंड राइस। एक बात, जब आप फिश बनाते हैं तो तेल पूरा गर्म होने दीजिए, नहीं तो फिर वो चिपकने लगती है। सही बोल रहा हूँ ना भैया? आज का डिश उधर रखा हुआ दिखा दो। फिश और राइस के अलावा स्वीट डिश भी है। ये देखिए अल्फांसो। तो खाने के बाद और खाने के पहले आम का सेवन करेंगे हम लोग। मछली पूरा फ्राई हो चुका है और फिलहाल मसाला भून रहा है। चलें भैया। आ रहा है। बहुत वेलकम आयुष। तो ग्रेवी भी तैयार हो चुका है और केवल फिश को डालना बाकी रह गया है उसमें और फिर मछली हो जाएगी रेडी। तो बहुत ही टेस्टी फिश करी और राइस खाने के बाद एक्चुअली कुछ ज्यादा ही खा लिया और अब थोड़ी सी नींद आ रही है तो थोड़ा सा आराम तो बनता है बट अब मुझे याद आया कि खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए वरना आपका पेट भर सकता है। सोना बिल्कुल भी नहीं है। जब से शुरू हुआ है कोरोना का सीरीज उसके बाद से लगातार बुरी खबरें आ रही हैं, दिल को झकझोर देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। लाइक अभी ही बहुत ही टैलेंटेड एक्टर, यंग एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड का मामला सामने आया। दुख होता है और ये हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। नो मैटर आप कितने स्ट्रांग हैं, कितने फाइनेंशियल स्टेबल हैं, कितने मेंटल स्टेबल हैं, ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है उस समय आपको बहुत ही कामली सोचना होता है, अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग रखना होता है ताकि ऐसे स्टेप्स करने से पहले आदमी 10 बार सोचे और फाइनली ना करे तो ज्यादा बेटर है। एंड सेकंड थिंग इज दैट चाइना इज अगेन एंड अगेन प्रोवोकिंग इंडिया एट डिफरेंट लेवल्स। उम्मीद है इस मामले में भी जो भी डिप्लोमेटिक लेवल पे काम किया जा रहा है और एक अच्छा सोल्यूशन निकल के आएगा। पिछले दिनों में हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, उन सभी को श्रद्धांजलि और लेट्स सी एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। उम्मीद है ये आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। टिल देन
बाय बाय।